नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि ज्योतिष भवन में मैं पंडित माणिक भारद्वाज शास्त्री आप सभी का दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज बात करेंगे शनिचरी दोष की। अगर किसी की कुंडली में सप्तम भाव में शनि ग्रह बैठा हो, सप्तम भाव विवाह का, पत्नी का, गृहस्थ जीवन का होता है, अगर उसमें शनि ग्रह बैठा हो तो उस जातक को, जातिका को शनिचरी दोष माना जाएगा। उसी सप्तम भाव में अगर मंगल ग्रह बैठता है तो मांगलिक दोष बनता है, और मंगल के साथ अगर शनि बैठ जाए तो मांगलिक दोष तो खत्म हो जाता है, लेकिन मांगलिक दोष कट जाता है लेकिन शनिचरी दोष नहीं कटता, शनिचरी दोष तो रहता ही रहता है। या अकेला शनि भी बैठा हो तो शनिचरी दोष ही बनेगा। इसलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिचरी दोष बना हुआ है उसको गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने में बड़ी बाधाएं आएंगी, मतभेद बना रहेगा, गृहस्थ जीवन उजड़ने की तादार पे आ जाता है। अगर शनिचरी दोष का उपाय समय अनुसार किया जाए तो वह नेगेटिव फल नहीं देता। शनिचरी दोष दूर करने के लिए जितना भी हम मंगल का उपाय करेंगे और नेक कार्य करेंगे, क्योंकि शनि भगवान कर्म के दाता हैं, जितना हम नेक कर्म करेंगे शनि भगवान हम पर उतने प्रसन्न होंगे, अपनी कुदृष्टि को दूर करेंगे, गृहस्थ जीवन में बढ़ोतरी एवं शांति प्रदान करेंगे। हनुमान जी का उपाय, जैसे अगर लड़के की कुंडली में है तो वह सुंदर कांड का पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे और हनुमान बाहु का पाठ करे। अगर लड़की की कुंडली में है तो वह भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, संकट मोचन का पाठ कर सकती है, शनि चालीसा का पाठ कर सकती है, रामायण का पाठ कर सकती है। अगर बड़ी रामायण ना पढ़ी जाए या समय ना मिले तो रामायण मन का, रामायण 108 मन का के नाम से छोटी पुस्तक आती है, उसको जाप करें, उसको पढ़ें। शाम के समय, सुबह के समय स्नान आदि से निर्वृत होकर जब भी समय लगे, और हो सके तो शनि भगवान का व्रत करें। इन छोटे छोटे कार्य करने से, श्रद्धा अनुसार करने से बहुत जल्द ही जीवन में आ रही विपत्तियों का नाश होता है और शनिचरी दोष का जो कुदृष्टि है वो शांत होती है, प्रभाव खत्म होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। धन्यवाद। खुश रहो। जय माता दी।